नमस्कार दोस्तों, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से बोल रहा हूँ। मैं अपना YouTube चैनल केबिल वाला लेके आप लोग का सामने हूँ। आज मैं एक अलग टाइप का एक इशू लेकर आप लोग का सामने हूँ, वो लेके आप बात करूँगा। वो इशू है आप, मैं, ये और उसको लेकर के। हो सकता है बहुत आदमी सोचेगा ये क्या इशू हो गया, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट आई एम गोइंग टू टॉक ऑन दिस। देखिए, केबल टीवी बिजनेस का जो उम्र, जो टाइम, वो करीब 32 साल हो गया। और वो जिस दिन हम लोग चालू किया था केबल टीवी, जब केबल टीवी शुरू हुआ था, उस दिन से आज तक 32 साल ऐसे ही निकल गया। अब ये 32 साल केबल टीवी बिजनेस कैसे चला ये बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ मालूम है केबल टीवी इस 32 साल चलाने में क्या क्या सिचुएशन आया। लेकिन ये हम लोग सबको ही जानते हैं, इसी इतना दिन बिजनेस होते हुए जो हुआ है, नया नया एंटिटी इसमें अंदर आया है, लॉ एंड एक्ट पूरा बदल गया है। और सबसे बड़ा ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में तो एकदम ऐसा बदलाव आया है जिसको बोल सकता है जो एक विप्लव घट गया है। इतना जल्दी, इतना फास्ट टेक्नोलॉजी केबल टीवी इंडस्ट्री में बदला। अब देखिए, ये जो बदल आया है 32 साल में केबल टीवी थे, लेकिन इसमें सब कोई आगे बढ़ा है, लेकिन इसका मेन जो स्टेक होल्डर है, जो केबल ऑपरेटर, वो लेकिन इस सिस्टम में धीरे धीरे पीछे जा रहा है। जो मेन जो करंट है वहाँ से निकल जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, काय हो रहा है? अब यही सब प्रश्न का उत्तर लेके मैं बहुत छानबीन किया हूँ, उसी को लेके आज आप लोग का सामने हूँ। थोड़ा देखिए, थोड़ा सुनिए। देखिए, प्रश्न उठ रहा है केबल ऑपरेटर को बिजनेस लेकर के क्या सोचता है, मतलब केबल ऑपरेटर अपना बिजनेस लेके क्या सोचता है, आगे आने वाला जो दिन है वो दिन में क्या होने वाला है। अब जो केबल टीवी का बिजनेस का जो करंट सिचुएशन है, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, या जैसा टीवी केबल टीवी चला वैसे ही चलेगा? अब केबल टीवी देखने के लिए कस्टमर का इंटरेस्ट अभी है या इंटरेस्ट जा रहा है? अब ग्राहक, मतलब जो कस्टमर है, उसका डिमांड क्या है और वो डिमांड कैसे मीटअप करेंगे, इसको लेके केबल ऑपरेटर कुछ सोचता है क्या? देखिए, केबल टीवी ये जो बिजनेस है, इसको लेकर के बहुत जो हम बोल सकते हैं एनालिस्ट है, बहुत एमिनेंट पर्सन है, वो लोग केबल टीवी का आज का सिचुएशन और आगे वाला दिन में केबल टीवी में क्या होने वाला है उसको लेके वो लोग अपना व्यूज देता है। केबल ऑपरेटर ये सब बात कभी सुनता है क्या? सोचने का समय निकालता है क्या? इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडबैंड सर्विस लेकर के गवर्नमेंट का नया नया जो पॉलिसीज है, जो एक्ट है, वो आने वाला है, आ रहा है। अब वही एक्ट या लॉ केबल ऑपरेटर का बिजनेस का ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, ये कभी कोई सोचता है क्या? देखिए, आज का दिन में बिजनेस का जो सिचुएशन है, कौन कौन जी इशू जो केबल ऑपरेटर का बिजनेस में असुविधे कर रहा है, इसको लेके कोई इसका रेजोल्यूशन हो सकता कि नहीं, इसको लेके केबल ऑपरेटर बोलिए, ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, बैठ के आपस से चर्चा करता है क्या, या इसको रिजॉल्व करने का कोई इच्छा है क्या? ना कि ऐसे सोचता है वो जैसा चलता है चलने दो, चल तो रहा है, नहीं तो ऐसे भी सोचता है जब होगा देखा जाएगा। और फिर ऐसे भी कोई सोचता है, कोई तो कुछ करता नहीं है ना, संगठन कुछ करता है, एसोसिएशन कुछ करता नहीं कि हम लोग को केबल ऑपरेटर लेकर के। ये सारा जितना इश्यूज है, जितना क्वेश्चन है, इसको लेकर के एक एनालिसिस किया गया था। उस एनालिसिस से जो आगे निकल आया, उसको लेकर अभी हम बात करेंगे।
देखिए, केबल ऑपरेटर जो बिजनेस करता है और बिजनेस करने के लिए बगल वाला ऑपरेटर से वो अपने कोई झमेला में या कोई डिस्प्यूट में जुड़ जाता है। अब केबल ऑपरेटर वही इशू अपना बिजनेस का मूल समस्या और एकमात्र समस्या बोल के कंसिडर करता है, सोचता है। केबल ऑपरेटर अपना जो नेटवर्क का जो इश्यूज है, जो समस्या है, उसको लेके वो एसोसिएशन के पास जाता है, उसका सपोर्ट या उसका जो कोऑपरेशन मांगता है। अब ये सपोर्ट और कोऑपरेशन एसोसिएशन के पास से मिलने का ऊपर ही ऑपरेटर लोग आइदर उस एसोसिएशन साथ रहता है या एसोसिएशन से उल्टा चलता है। देखिए, केबल ऑपरेटर अपना सोच से ही वो सब कुछ है, कुछ सुनना, कोई सोचना, कोई जानना, वो कोई जरूरत ही नहीं समझता है। अगला 32 साल ऐसे ही निकल गया है, ज़्यादा कुछ करने नहीं पड़े केबल ऑपरेटर को। कंपटीशन इन रियल सेंस क्या होता है, मार्केटिंग इन रियल टर्म क्या होता है, कभी करने नहीं पड़ा, जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन अभी कॉरपोरेट आने के बाद जिस हिसाब से बिजनेस हो रहा अभी, लेकिन ये एक इशू बन गया और आगे दिन में एक बड़ा समस्या खड़ा करने के लिए तैयार हो गया है। देखिए, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ समस्या आता है जब नया नया कोई टेक्नोलॉजी आता है, और उस समस्या से निकलने के लिए वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पड़ता है। तो इसीलिए केबल ऑपरेटर कम्युनिटी, जिसको अनप्रोफेशनल कम्युनिटी बोला जाता है, वो लोग अपना जो बिजनेस का जो इश्यूज है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, उससे निकल के लिए क्या करना चाहिए, उसका लिए वो लोग को एक यूनाइटेड होना चाहिए, एक जगह आना जो उस लोग का जरूरत पड़ता है। अब ये जो यूनिटी बोलिए और एक जगह आने का जो बात होता है, इसी को बोला जाता है यूनिटी। इसी से क्या बनता है, एक एसोसिएशन बनता है। इसी हिसाब से संगठन बोलिए, एसोसिएशन बोलिए, वो बनता है। देखिए, एक संगठन रहेगा, नेचुरली उस संगठन के एक नाम रहेगा, उस संगठन में बहुत पोर्टफोलियो रहेगा, पोजीशंस रहता है, और क्या रहता है संगठन में केबल ऑपरेटर को लिए के काम करने के लिए बहुत काम रहता है। अब वो काम किस टाइप का होता है, वो काम कैसा होता है, देखिए मैं जो समझता हूँ, वो काम ऐसा होता है, कुछ रेगुलर बेसिस जो काम होता है, कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड इश्यूज रिलेटेड काम होता है, एमएसओ रिलेटेड कुछ इशू या प्रॉब्लम खड़ता वो लेके काम होता है। अब केबल टीवी में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज बनता है, जो आइन बनता है, जो लॉ बनता है, उसका इफेक्ट केबल ऑपरेटर का बिजनेस में कैसे आता है, अगर वो कुछ एडवर्स इफेक्ट करता तो उसको लेके केबल जो एसोसिएशन है उसको काम करने का एक पॉलिसी बनाने पड़ता है, उसको लेके काम करने पड़ता है। अब केबल ऑपरेटर का फ्यूचर लेकर के काम करने का मतलब केबल ऑपरेटर का बिजनेस सिक्योर करने पड़ता है। अबव ऑल संगठन का केबल ऑपरेटर का काम ही है ये जो फाइट है, ये अनइवन फाइट है, और वो अनइवन फाइट अपना जो डिमांड है निकलने के लिए वो अनकंडीशनल करने के लिए वो मानसिकता चाहिए। बिजनेस में जो अपना राइट्स है उसको निकालने के लिए केबल ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर जो एसोसिएशन है उसको अपना डिमांड और अपना रिक्वायरमेंट समझना जरूरी है, और वो निकालना भी जरूरी है। और अपना जो राइट्स है वो राइट्स जब भी आप मांगोगे, उल्टा साइड में जो बिजनेस एंटिटी बैठा है उसका अगेंस्ट में जाएगा, और उसका अगेंस्ट में जाएगा तो नेचुरल बेसिस में एक डिफरेंस खड़ा हो सकता है। लेकिन जब एसोसिएशन जब केबल ऑपरेटर को लेकर काम करने जाएगा तो केबल ऑपरेटर इंटरेस्ट वो सेफगार्ड उसका करना उसका काम है, तो उल्टा साइड में जो भी होए, चाहे वो क्लोज फ्रेंड होए, चाहे वो पावरफुल आदमी हो, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, लेकिन केबल ऑपरेटर को काम लेकर के अगर उसका पास जाना है, लोग का पास जाना है, तो संगठन का केबल ऑपरेटर का जो डिमांड है, जो राइट्स है, उसी को डिमांड और राइट्स हिसाब से निकाल के आना चाहिए। ये काम लेकिन बहुत कठिन है, इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, और
ये कठिन काम करने के लिए ही, लेकिन संगठन में जो लोग रहता है उसका जो पोजीशन में रहता है, उसका जो पद में रहता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अभी जो ये जो एनालिसिस जो किया गया था उसमें से कुछ चीज निकाल के आया, जैसे देखिए दिखा गया है केबिल ऑपरेटर के हिसाब से केबिल ऑपरेटर को जो कॉमन इश्यूज है वो काम नहीं होता है, इसी को लेकर के बहुत केबिल ऑपरेटर अपने आप खुद को हटा लिया। बहुत ऑपरेटर ऐसा है अपना छोटा छोटा ग्रुप में अभी बिलोंग करता है। अब बहुत ऑपरेटर क्या किया, अपना अरेंजमेंट कुछ मैनेज करके अपना बिजनेस चला रहा है। अब बहुत केबिल ऑपरेटर ऐसा भी है उसको फ्यूचर बिजनेस का बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहने के कारण, कोई आइडिया नहीं रहने के लिए वो बिजनेस से थोड़ा उसका इंटरेस्ट चला जा रहा, वो क्या हो रहा है, वो दिशाहीन बन रहा है। लेकिन मेरा हिसाब से जो केबल एंड ब्रॉडबैंड बिजनेस है ये सिर्फ फ्यूचरिस्टिक नहीं है, ये ब्राइट फ्यूचर इसमें इसके अंदर है। तो इसका इसका ग्राफ भी अपग्रेडेड है, देखिए 32 साल से बिजनेस ऊपर ही गया, आगे ही बढ़ा, ये कभी नहीं नीचे आया है। तो तब ये करना क्या चाहिए, क्या जरूरत है इसमें करने का, इसमें करने का जो जरूरत है वो है व्यवसाय जो बिजनेस है, इस बिजनेस का जो फ्यूचर उसका फ्यूचर है उसको लेके एक क्लियर पिक्चर अपना दिमाग में लाना चाहिए, डालना चाहिए। अब समझना जरूरी है इसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। अब ये भी समझने पड़ेगा ये जो कंटेंट है और डिलीवरी, इस दोनों को मिक्सअप कैसे कर करके कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए, ये भी जानने पड़ेगा। जितना कंटेंट प्रोवाइड है वो लोग अभी क्या सोचता है, और आगे दिन में जो उन लोग का जो काम का जो प्रोग्राम है उसका भी इंफॉर्मेशन जानना हम लोग को केबल ऑपरेटर का बहुत जरूरी है। ऑपरेटर हिसाब से अपना जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है इसका सर्विस सपोर्ट ऐसा करने पड़ेगा जिसको सिमलेस फ्लॉलेस करने पड़ेगा, इसको ले जाने पड़ेगा केबल ऑपरेटर का कस्टमर केयर सर्विस ऐसा जगह ले जाने पड़ेगा ताकि आज का दिन में जितना कॉरपोरेट्स है उसको भी कम्पीट किया जा सकता है। आपको देखने पड़ेगा ये जो कंप्लेन रजिस्ट्रेशन जो है, कंप्लेन जो रेस्टोरेशन सिस्टम है इसको कैसे हम लोग ऑटोमेशन करें। अगर ये हर चीज के लिए जो जरूरत है आर ट्रू लीडरशिप एंड दैट टू विद अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेरिन इरेस्पेक्टिव ऑफ स्मॉल और बिग ऑल एसोसिएशन शुड सिट टुगेदर फाइंड आउट द इश्यूज ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड वर्क टुगेदर ऑल टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द केबल ऑपरेटर अक्रॉस द बोर्ड। मतलब ये छोटा बड़ा जितना एसोसिएशन है उसका जितना भी ऑफिशियल्स है वो लोग एक जगह बैठने पड़ेगा, एक जगह बैठ करके केबल टीवी ऑपरेटर का जो इश्यूज है उसका इश्यूज निकालने पड़ेगा, और वो इश्यूज लेकर के एक साथ एक कदम से वो काम सब ऑपरेटर को लिए करने पड़ेगा। देखिए ये जो फाइट है केबल ऑपरेटर का, ये फाइट है अनइवन फाइट। इस फाइट में कोई भी एक आदमी, कोई भी एक संगठन ये काम अकेला कर नहीं सकता है, ये कभी एक आदमी कर ही नहीं सकता है। तो केबल ऑपरेटर को संगठन में, केबल ऑपरेटर यूनिटी में एक इमेंस पावर है, वो पावर इतना स्ट्रांग है उल्टा साइड में जो भी हो जाए उसको हिलाना कोई बड़ा बात नहीं है। और यही चीज उल्टा साइड उल्टा बिजनेस एंटिटी जानता है, इसी को लेकर के वो लोग केबल ऑपरेटर केबल एसोसिएशन को सबको एकदम डिवाइड करके रख दिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट में। इसका मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दो साइड का है, केबल ऑपरेटर की भी है और संगठन का भी है। देखिए बिजनेस को लॉन्ग टर्म में करने के लिए केबल ऑपरेटर को वो जो यूनिटी बा यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी एडॉप्ट और सिस्टम अपग्रेडेशन करना बहुत जरूरी है। संगठन का काम में हर केबल ऑपरेटर को संगठन का साथ जुड़ा हुआ रहने पड़ेगा। हजारों काम में अगर संगठन बुलाता है तो संगठन का ये जो बुलाव में साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये जो ऑटो वाला है
टैक्सी वाला है, बस वाला है, ओला उबेर वाला है, वो जो सरकारी कर्मचारी है, ये जो टीचिंग जो स्टाफ है, इवन बैंक जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है, सब कोई तो ये काम करता है, क्योंकि वो लोग फ्यूचर समझता है, फ्यूचर देखता है। अगर ये बात है तो केबल ऑपरेटर अपना फ्यूचर के लिए ये काम या एक साथ नहीं चलेगा। क्यों? उल्टा साइड में देखिए, ये जो जितना एसोसिएशन संगठन है उसका जितना ऑफिशियल्स है, उन लोग को भूलने पड़ेगा अपना बीच का ये जो पॉलिटिक्स है, ये उसको भूलने पड़ेगा। उसको भूलने पड़ेगा ये केबल ऑपरेटर को लिए एसोसिएशन टू एसोसिएशन जो जो डिफरेंस है वो उसको भूलने पड़ेगा। बिजनेस का जो मेन मकसद है उसी का काम में दिमाग लगाने पड़ेगा और उसी को लेके चलने पड़ेगा। ये सब जो अनइम्पोर्टेंट इशू है उसको लेके इधर उधर दौड़ना, समय अपचय करना, ये सब बंद करने पड़ेगा। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करने पड़ेगा और सीनियरिटी को रेस्पेक्ट करने पड़ेगा। देखिए, केबल ऑपरेटर एक ही कम्युनिटी है, वो है केबल ऑपरेटर। उसको डिवाइड किया नहीं जा सकता, उसको डिवाइड कर नहीं सकते। कोई भी एमएसओ लेबल कोई केबल ऑपरेटर को लगा नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। आज का जो भी विषय मैं बात कर रहा हूँ ये लेकिन ग्राउंड जीरो से उठ के आया है। इसका मतलब जो लोग काम करेगा उसको इंटेलिजेंट होने पड़ेगा, उसको वो समझने भी पड़ेगा क्या काम वो कर रहा है। क्योंकि जिसको लेकर के काम, जिसको लिए काम और जिसको सपोर्ट लेके काम है, जितना भी ऑफिशियल्स है, एसोसिएशन ऑफिशियल्स है, उसका मर्यादा उसको देने पड़ेगा। वो कैसे देने पड़ेगा? सही काम करिए और ये समय है वो सही काम करने का। चलिए ना काम करते हैं एक साथ यूनाइटेडली। समय लेकिन बहुत कम है और सामने का जो दिन है वो बहुत कठिन है। चलिए एक साथ काम करते हैं, मिलजुल के केबल ऑपरेटर को होकर के। अगर ये प्रोग्राम मेरे को आप लोग को अच्छा लगा, आप अगर ये चाहते हो केबल ऑपरेटर ऐसे इस हिसाब से काम करे, तब केबल वाला ये डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यही बोल के मैं आज का प्रोग्राम मैं ख़त्म करूँगा। आगे दिन में फिर नया इशू लेके काम करेंगे। सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन सबको एक साथ इंडस्ट्री को बचाने के लिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस करने के लिए अपना अंदर का डिविजन डिफरेंसेस ख़त्म कीजिए और फ्यूचर बिजनेस को दिमाग में लेते हुए एक साथ काम कीजिए। यही बोल के मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।